जब कॉलेज में था, रियली लाइक द फीमेल. मैंने कभी भी डिसऑनेस्ट नहीं रहा हूँ, मैंने कभी किसी को चीट नहीं किया. तो व्हेन आई लव्ड अ गर्ल, आई एक्सपेक्टेड ओनली वन थिंग, लॉयल्टी. जब मुझे पता चला था शी चीटिंग ऑन मी, और साथ में 5 और बॉयफ्रेंड्स थे उसके, आई फाउंड आउट. सबको एक साथ खड़ा किया लाइन में और लड़की को लेके आया. इट वॉज अ इम्पल्सिव डिसीजन. मैं और भी कुछ कर सकता था, पर मैंने फिर उसको चाटा लगा दिया, बिकॉज जो वो कर रही थी वो बहुत गलत था. मैं कुछ और भी कर सकता था. क्या कर सकता था और भी? उसको शायद अब्यूज कर सकता था. उसके घर पे ले जाता उसको और बोलता कि भाई ये क्या कर रही है तू, तेरे घर वालों को पता चले. मतलब यू कुड हैव डिस्ट्रॉयड हर रेपुटेशन, बट यू ओनली हिट हर. ये जो तू बोल रहा है ना, एक नहीं 5 लड़कों के साथ गई थी. सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस. ऑफ कोर्स. या नोबडी गिव्स यू द राइट, नोबडी गिव्स यू द राइट टू स्लैप अ गर्ल. और क्या करता तू आगे जाके, क्या करता उसके साथ? मैं कुछ भी नहीं करता. अभी तो बोला है ना, अभी तूने बोला है कि नहीं बोला है? मैंने उसको एक चाटा मारा. That was an impulsive. और भी बहुत कुछ कर सकता था. नहीं मतलब पॉजिटिवली कर सकता, चाटा नहीं मारता, कुछ और कर देता. किया क्यों नहीं पॉजिटिवली? पर तूने बोला मैं उसको अब्यूज कर सकता था, उसको घर लेके जाता. तूने नहीं बोला कि पॉजिटिव करता कुछ मैं? सर तूने एक बात नहीं लिया कि पॉजिटिव करता मैं? आस्क्ड यू, बोथ ऑफ देम आस्क्ड यू, यू आंसर्ड इट लाइक दैट. करण एक बात तू तो समझ ले, ये इंपल्सिव डिसीजन नहीं था, ठीक है? यस सर. करण सर, I'll tell you why. You said, मैं उससे प्यार करता था और मैं सिर्फ एक चीज एक्सपेक्ट करता था, लॉयल्टी. Who the f*** you to expect anything, anyone? Who the f*** are you to expect loyalty even from your own pet dog? Are you? Sir, if I am showing loyalty... Who the f***? If I am... Let's say I'm angry and expect you to be angry with me. Be angry with me. Like I expect it. I expect you to be a mirror reflection of me. Be it. Sir, agar maine be a mirror reflection of me. Agar aapne galti ki hai. So usne confess khud kiya. Kya confess kiya? She was with me because I was famous in college. To? Bas. To? Kya galti hai? Usko fashion walk karna tha. Usko ramp pe aana tha. Isliye usne ye sab faltu ki mere saath kiya. To pata hai? To pata hai tune kyun mara? Pata hai tune kyun mara? Because your ego shrunk to this big. Correct. That's why. I know. You know why? Because you're an insecure. Upar kar ise. Aur sir, 2 saal ke baad phone karke mujhe bolti hai thank you for slapping me. Agar wo sun rahi hai, to she would be feeling very proud about this. Ke 2 saal ke baad sir uska phone aaya aur usne bola that slap changed her life. Today people look at her with a lot of respect and dignity. Aur log उसकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया. 2 साल बाद जब उसका फोन आया था, यू फेल्ट वेरी प्राउड अबाउट इट. जो निखिल बोल रहा है ना, बिल्कुल ठीक है. इट्स नॉट यू, इट्स योर ईगो. आई एम गोना मेक श्योर दैट एटलीस्ट वुमेन स्टे अवे फ्रॉम यू. पता नहीं तेरे को कब कहां चोट लग जाए, तेरे दिल या दिमाग पे तू थप्पड़ मार देगा उनको. And you've also hit your father. What? No, I pushed him. मुझे मार रहे थे मेरे डैड. मॉम को ऐसा लगा कि अभी और नहीं मारना चाहिए, तो मॉम बीच में आ गई. तो मॉम जब बीच में आ गई, पापा ने मम्मी को धक्का दे दिया, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ. तो मैंने खड़ा हो गया, मैंने पापा को धक्का दे दिया. और उसके बाद एक हफ्ता कम से कम मैं रोज पापा के पाँव दबा के, उनके बाजू में खड़े रह के उनके पाँव दबा के उनको सॉरी बोलता था एवरी डे. अपने फादर को धक्का मारा? Yes. उसके बाद एक हफ्ता सॉरी बोला? Yes, ma'am. उस वक्त तुझे ठीक लगा तूने किया, तो फिर एक हफ्ता सॉरी क्यों बोला? अगर तूने उस वक्त he pushes your mom because she's trying to save you, उसके बाद तू पैर दबा के सॉरी भी बोलेगा? फिर उसको सॉरी बोला, जैसे मैंने अपने डैड को सॉरी बोला एक हफ्ते के लिए, उस लड़की को सॉरी बोला? उसके बाद उसको मैंने 2 दिन के बाद फोन करके सॉरी जरूर बोला था. 2 साल बाद. 2 साल उठा.
disrespecting me also. सुनाई दे रहा है तेरे को? Overlap में मैं बोली जा रही हूँ, बाल्टी उठा, सुनाई दे रहा है? Very sorry ma'am. Sorry to disrespect. करण, जो प्रिंस ने पूछा उसका आपने जवाब नहीं दिया. पापा को आपने एक हफ्ते के लिए सॉरी बोला. जिस लड़की को आपने थप्पड़ मारा था उसको क्या बोला? सर उसको दो दिन के बाद मैंने सॉरी बोला. उसको मिला मैं एक बार और उसको बोला सॉरी जो मैंने किया उसके लिए सॉरी. बट आई डोंट मीन दैट ऑनेस्टली, क्योंकि जो तूने किया वो भी गलत. पहले बोल रहा था मैं उसको मिला नहीं, वो लड़की ने 2 साल बाद मुझे फोन किया. अभी तूने बोला उसके बाद मैं उसको मिला नहीं, 2 साल बाद मुझे फोन किया और सॉरी बोला. अभी तू बोल रहा है कि 2 दिन के बाद मैं उसको मिला और सॉरी बोला? उस टाइम की बात है सर, 2 दिन के बाद उसको मिल के मैंने सॉरी बोला. एक ही बार मिला उसको, मैंने सॉरी बोला कि जो मैंने किया. रख 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 मिनट, तेरे लिए कोई काउंटडाउन नहीं है, चल यार निकल. इधर आ, आई हैव समथिंग फॉर यू. चल निकल, ले अपना फॉर्म और निकल. चलो, कोई काउंटडाउन भी नहीं दे रही है सर. थैंक यू, जवान से इंसान बन चुका हूं मैं. अच्छा बन गया यार, अगली बार आई और अच्छा. यू रिग्रेट व्हाट यू हैव डन नाउ, राइट? ऑफ कोर्स. एज ऑफ नाउ, बिकॉज ऑफ व्हाट हैज हैपेंड, यस, दिस इज नॉट द वाइब टू सेलेक्ट. ठीक है, इट्स गॉन अ वेरी रॉन्ग वे एंड आई होप यू हैव चेंज्ड. ऑफ कोर्स सर, मैं चाहूंगा. और होता है यार, गलतियां लोगों से होती है, वो रिग्रेट करे, इट्स गुड. सीख सकता है बंदा, दिमाग बदल सकता है कुछ टाइम के बाद. जा पर उस लड़की को सॉरी बोलियो जितनी बार मैंने डैड को बोला था, उससे बोल सकता 3 times ज्यादा बोल सकता हूं, इजीली बोल सकता हूं. शी विल फील गुड, शी विल फील गुड. हमें आके प्रूफ करियो. 2 साल के बाद अगर उसको अकल आ गई है और वो कभी किसी को डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रही है. देखो पता है, अंडरस्टैंड दिस, यस सर, पीपल डू मिस्टेक्स.